सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक इजी वे में एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से पहले, इसकी डेफिनेशन को रीड करने से पहले, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले, हम बेसिकली दो वर्ड हैं, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन, इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर अ मोर पर्सन, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। उर्दू में बताता हूँ, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, इंफॉर्मेशन का आना और जाना, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में होती है, मतलब इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि फॉर इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो आपका जो ग्रुप है 5-10 बंदे हैं, तो जितने भी बंदे हैं वो आप इजीली एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के फेस को देख सकते हैं और एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के उनको जज कर सकते हैं वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे थिंक कर रहे हैं, और इजीली एक दूसरे को देखकर उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे टीचर, एक क्लास में टीचर जो होता है वो हर स्टूडेंट को देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है। जैसे आपके क्लास वालों का एक ग्रुप बना होता है, तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बैठे हुए हैं तो 5-10 लोग वो बात कर रहे हैं, तो वो भी एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो इसका बेसिक पीछे लॉजिक क्या है कि इतने लोग जिनको आप इजीली देखकर उनके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को जज कर सकें, उनको मतलब आप उनके फेस को देख सकें, उनके एक्सप्रेशन को देख सकें। जैसे अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक सेमिनार कर रहा है, तो वो इतने ज्यादा लोग होते हैं उनके एक एक बंदे को नहीं जज कर सकता कि वो कैसा सोच रहा है, और एक एक बंदे को उठाकर पूछ नहीं सकता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। तो ये इंट्रापर्सनल में नहीं आती। इंट्रापर्सनल में क्या आती है कि आप सोच रहे होंगे मोर पीपल तो लाखों भी हो सकते हैं, नहीं, मोर पीपल उतने हों कि जितने आप इजीली उनको जज कर सकें, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकें, उनसे बातें कर सकें। जैसे एक टीचर की आपको मैंने एग्जाम्पल दी, कोई भी लेक्चर है, कोई भी लेक्चर देने आ रहा है, प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से अच्छे तरीके से वो भी कम्युनिकेट कर सकता है, हर स्टूडेंट्स को देख सकता है क्लास में, उससे बोल सकता है। वो कोई छुपा हो तो वो अलग बात है, वो नहीं इसमें आता। अगर कोई छुपा हो चेयर के नीचे तो वो अलग बात है, वो चीज़ ना इसमें लाना। तो वो एक ग्रुप, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं 5-10, कोई आप अपने दोस्त बैठे हुए हैं, कोई हॉकी टीम हो गई, कोई जैसे हॉकी टीम है 10-15 खिलाड़ी हैं उसके, फुटबॉल टीम होगी, तो इस तरह की जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना, जो इजीली अपने अपने एक दूसरे से, जितने भी लोग हैं ग्रुप के अंदर, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से फीडबैक ले सकते हैं, वो सारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें आ जाती है, आप इजीली इसमें जज कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, आपकी स्टडी भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन पे बेस करती है। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।